गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ निशा शर्मा, आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास फोर्थ. सो वी विल स्टडी टुगेदर चैप्टर नंबर 3, अ ट्रिप टू भोपाल. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्यू पेजेस इन आर प्रीवियस वीडियो. सो वी विल स्टडी टुडे पेज नंबर 30. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विथ पेज नंबर 30. लंच टाइम, यानी कि वो भीमबेटका पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी केव्स देखी थी, बहुत सारे पेंटिंग्स देखी थी, केव पेंटिंग्स देखी थी, और उन्हें वहां पर घूमते हुए एक घंटा हो चुका था. और 12:30 के अराउंड वो कहाँ पहुंचे, भोपाल पहुंच गए. ठीक है, अब 12:30 वो भोपाल पहुंच गए तो उन्हें भूख लगने लगी. ठीक है, सो द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम. अब तक इस टाइम तक उन्हें भूख लगने लग गई. सो दे टुक टेक आउट देयर लंच पैक्स. उन्होंने अपने लंच बॉक्सेस बाहर निकाल लिए. बिस्किट, ऑरेंजेस, बनानास आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बसेस. और टीचर्स ने क्या किया, बिस्किट, ऑरेंज और बनाना डिस्ट्रीब्यूट किए सारी बसेस में. ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन वन ऑरेंज, वन बनाना एंड 5 बिस्कुट. यानी कि हर एक बच्चे को क्या मिला, वन ऑरेंज मिला, वन बनाना मिला और 5 बिस्किट्स मिले. All the children take oranges and biscuits, but 38 children don't take bananas. यानी कि सभी बच्चों ने क्या लिया, oranges लिए, biscuits लिए, but 38 children ऐसे थे जिन्होंने bananas के लिए मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए. How many oranges, biscuits, bananas are distributed? अब वो पूछ रहे हैं कि कितने orange, कितने biscuit और कितने bananas total distribute हुए. यानी कि हमारे total students कितने थे, 210. ठीक है, orange सबको एक एक ऑरेंज मिला था. यानी कि टोटल कितने ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए, 210. ठीक है, बनाना 38 स्टूडेंट्स ने मना किया, यानी कि 210 में से 38 स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे, 172 आ गया. यानी कि 172 स्टूडेंट्स को क्या मिला था, बनाना मिली. बिस्किट्स, एक स्टूडेंट्स को 5 बिस्किट मिले और 210 टोटल स्टूडेंट्स थे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्या आएगा, 1050 बिस्किट्स टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए सारे स्टूडेंट्स में. मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल टू पास द टाइम. अब मंजीत और भानु ने जल्दी से अपना लंच खत्म किया और क्या करना शुरू किया, पजल खेलना स्टार्ट किया. मंजीत ने पूछा, टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150. तो मुझे वो नंबर बताओ जो 100 और 150 के एग्जैक्टली बीच में आता हो, यानी कि 125, जो 100 से 25 ज्यादा होता है और 150 से 25 माइनस होता है. ठीक है, तो 125 बीच का नंबर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भानु बोलता है 120 और फिर भानु आंसर दे रहा है उसका, 120 नो, 130 नो, नो इट इज 125. मंजीत बोलता है राइट, ओके, यस, आस्क नाउ. अब तुम कोई क्वेश्चन पूछो. अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन. अब दूसरे चिल्ड्रन भी आ जाते हैं ज्वाइन करने के लिए. एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन. और सभी क्या पूछते हैं, पजलिंग क्वेश्चन पूछते हैं. फर्स्ट, आई गिव 4 टॉफीज टू माई फ्रेंड्स. मैंने कितनी टॉफीज दी मेरे दोस्तों को, 4 टॉफी मैंने दोस्तों को दी. 3 टॉफीज आर लेफ्ट विथ मी. और 3 टॉफियां मेरे पास बची हैं. तो कितनी टॉफी थी मेरे पास, 7. ठीक है, 4+3 कर देंगे, 4+3=7. अब कोई दूसरा बच्चा पूछ रहा है, वॉट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3, 5, 7. You can make 3, 5, 7 and 5, 3, 7. What others? अब आपको numbers दे रखे हैं, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है. तो आप इनसे कौन कौन सी डिजिट बना सकते हो, वो आपसे पूछ रहे हैं. तो 3, 5, 7 से हमारी 6 डिजिट बन सकती है. फर्स्ट हम 3 को लेंगे और 5, 7 लिखा, फिर 3 को रखा और इनको इंटरचेंज किया, 7 और 5 लिख दिया. तो एक नंबर, दो नंबर. अब हम सबसे पहले 5 को रखेंगे. ठीक है, 5, 3, 7, 5, 7, 3. अब हम 7 को आगे रखेंगे, 7, 3, 5, 7, 5, 3. यानी कि हमारी ये 6 डिजिट बन सकती है इन 3 नंबर्स से. अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8. अब वो नंबर मुझे बताइए जो अगर जिसे मैं 8 से इंक्रीज करूं और वो डबल हो जाए, व्हाट इज द नंबर. वो नंबर 8 ही होगा. ठीक है, अगर 8 को आप 8 से इंक्रीज करोगे तो उसका डबल क्या हो जाएगा, 16. यानी कि 8 में 8 ऐड करोगे तब 16 होगा. तो वो नंबर विल बी 8. ठीक है, नेक्स्ट,
थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 30, 50. अब एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, और जो किसके बीच में आता है, 25 और 50 के बीच में आता है. तो आंसर विल बी 30. वो कैसे होगा, 30 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15. 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2. और 3 से डिवाइड करेंगे तो 10. ठीक है. नेक्स्ट, अ स्मॉल आंट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट. अब एक स्मॉल आंट है, एक चींटी है, जो 3 सेंटीमीटर में कितना क्लाइम कर रही है. स्मॉल आंट क्लाइम 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट. 1 मिनट में वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है, लेकिन स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें से 2 सेंटीमीटर वो वापस फिसल कर नीचे आ जाती है. यानी कि वो 1 मिनट में सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही जा रही है. 3 माइनस 2 कर देंगे, 1 आ गया. 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर जा रही है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स. ठीक है, क्योंकि वो 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर जा रही है, तो 2 सेंटीमीटर जाने के लिए 2 मिनट्स चाहिए उसको. ठीक है. विच बोट डू वी टेक. अब हम कौन सी बोट लेंगे, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे. दे आर सो लॉस्ट इन पजल्स. वो पजल्स में इतना खो गए थे कि वो भूल ही गए ये नोटिस करना. दे हैव रीच्ड द लेक, कि वो नहर पहुंच चुके हैं, एक नहर पर पहुंच चुके हैं. ठीक है, झरने में आ चुके हैं. इट इज वेरी बिग लेक, वो बहुत बड़ी नहर थी. विथ अ स्मॉल आइसलैंड, एक छोटे से आइसलैंड के साथ वो बहुत बड़ी नहर थी. द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम. और वो उस वक्त वो नहर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी. देयर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइस. और वहां बहुत सारे डक्स थे जो बहुत शोर कर रहे थे. सम चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न. उन डक्स को कुछ बच्चों ने क्या खिलाया, पॉपकॉर्न खिलाया. नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट. अब हम एक एक्साइटिंग पार्ट की तरफ चलते हैं. इट इज टाइम टू गो फॉर बोटिंग. अब वो क्या कर रहे हैं, बोटिंग करने वाले हैं. दे हैव टू चूज विच बोट टू टेक. अब उनके पास ऑप्शन था कि वो कौन सी बोट में बोटिंग करना चाहते हैं. बट दैट इज नॉट ईजी, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं था. नाउ नेक्स्ट पेज. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बोट. वहां बहुत तरह तरह की बोट्स थी. ईच हैज अ डिफरेंट टिकट प्राइस. और जिसका हर बोट का प्राइस टिकट जो था वो अलग अलग था. एंड ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम. और जो टाइमिंग थी घुमाने की उन बोट्स की, वो भी बहुत ज्यादा अलग अलग थी. तो कितनी बोट्स थी, डबल डेकर थी एक, जिसका प्राइस क्या था, 30 रुपीज. वो 45 मिनट्स के लिए ट्रिप टाइम, यानी उसका ट्रिप टाइम कितना था, 45 मिनट्स. पैडल बोट थी, जिसमें पैडल मार के हम आगे जाते हैं. ठीक है, उसका प्राइस, उसकी टिकट कितने का था, 15 रुपीज का. और वो कितने देर के लिए घुमाती थी, 30 मिनट्स के लिए. मोटर बोट 25 रुपीज, 20 मिनट्स के लिए. बोट विथ ओर्स, जिसको अपन उस लकड़ी के उस हत्थे से चलाते हैं, उस बोट का प्राइस क्या था, टिकट का 15 रुपीज. और 45 मिनट्स के लिए वो घुमा रही थी. फोर ऑफ अस विल टेक अ पैडल बोट. यानी कि हम चारों क्या लेंगे, पैडल बोट लेंगे. एंड रेस विद गौरी एंड हर ग्रुप. और गौरी और उसके ग्रुप से हम क्या करेंगे, रेस लगाएंगे. वी विल टेक द मोटर बोट. हम क्या लेंगे, मोटर बोट लेंगे. इट इज कॉस्टली, वो बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन फन भी उतना ही है, क्योंकि उसमें जूम जूम करें, गाड़ी की तरह चलाएंगे. ठीक है. अब लेट अस टेक द ओर बोट. हम तो क्या लेंगे, ओर बोट, जिसको जिसमें चलाने के लिए कुछ नहीं होता, उसको उससे चलाया जाता है, हत्थे से. इट इज नॉट कॉस्टली, ये तो एक महंगी भी नहीं है. और मोर टाइम फॉर अ पीसफुल राइड. और सबसे ज्यादा मतलब इसमें पैसे भी कम है और ये घुमाएगी भी ज्यादा देर. ठीक है. हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर. हम कहाँ जाएंगे, हम डबल डेकर में जाएंगे. इट ऑल्सो हैड म्यूजिक, उसमें म्यूजिक भी होगा. हाँ वो महंगी है, बट उसका टाइम भी ज्यादा है. इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट. इंदिरा और भानु पहले तो मोटर बोट में गए, और उसके बाद उन्होंने ओर बोट भी उन्होंने राइड की. ठीक है. तो उनका टोटल, हाउ मच डिड दे पे फॉर द बोथ द बोट्स. उन्होंने दोनों बोट्स के लिए कितना पे किया, 25 रुपीज इसके लिए था मोटर बोट के लिए, और 15 रुपीज ओर बोट के लिए था. तो टोटल हमारा कितना हो गया, 40 रुपीज. ठीक है. हाउ मच टाइम डिड दे गेट
फॉर बोथ राइड्स। तो और उन्होंने टोटल टाइमिंग क्या लिया, क्योंकि इसको 20 मिनट्स थे और इसको 45 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट्स प्लस 5 65 मिनट्स हो गए। तो 60 मिनट्स में तो 1 आवर बन जाता है और 5 मिनट्स लेफ्ट, यानी 1 आवर 5 मिनट्स में उन्होंने वो दोनों राइड्स की। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, एक ग्रुप जो चिल्ड्रंस का था वो उन्होंने डबल डेकर ट्रिप चुनी। दे पेड 450 इन टोटल, उन्होंने टोटल 450 रुपीज दिए। तो अपन को निकालना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, तो कितने बच्चे थे टोटल जो डबल डेकर ट्रिप के लिए गए थे, यानी 450 को डिवाइड कर देंगे अपन 30 से। ठीक है, 30 क्यों, 30 से डिवाइड क्यों किया अपन ने, क्योंकि एक बच्चे का टिकट डबल डेकर का क्या था 30, तो हमारा इतना टोटल पे किया तो हमारा क्या आ जाएगा 15 चिल्ड्रन ऐसे थे जो वहां उन्होंने उसमें गए थे डबल डेकर में। विच बोट मेक्स टू ट्रिप्स इन वन आवर, अब वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी बोट है जो अपनी ट्रिप, विच बोट्स मेक टू ट्रिप्स इन वन आवर पैडल बोट, ऐसी कौन सी बोट है जो दो ट्रिप करती है एक घंटे में, जिसकी तो पैडल बोट है क्योंकि वो 30 मिनट्स लेती है। विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, अब आधे घंटे से कम कौन सी बोट लेती है, मोटर बोट, क्योंकि मोटर बोट का टाइमिंग क्या है 20 मिनट्स, यानी हाफ एन आवर होता है 30 मिनट्स का, आधा घंटा। ठीक है, तो हाफ एन आवर से कम टाइम कौन सी लेती है, मोटर बोट। जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, वो दो बार जावेद बोटिंग करने गया, ही पेड अ टोटल ऑफ 40 रुपीज, उसने टोटल पेमेंट किया 40 रुपीज एंड फॉर और बोटेड फॉर 50 मिनट्स, और कितने टाइम की ट्रिप थी 50 मिनट्स की। तो वो कौन सी दो ट्रिप में गया, यानी कि पहले तो आप देखिए कि टोटल अमाउंट 50 रुपीज किसका आ रहा है, पेडल बोट और मोटर बोट का, 25 प्लस 15 करेंगे 15 प्लस 25 40 हो गया, 40 रुपीज उसने पे किया था और 30 प्लस 20 50 मिनट्स उसने ट्रिप को ज्वाइन किया था। ठीक है, यानी कि वो दो बोट्स कौन सी हो गई, पैडल बोट हो गई, मोटर बोट हो गई। ठीक है, नाउ टाइम टू रिटर्न, अब बच्चे घर भी तो जाएंगे, लेट हो रहा है बहुत उनको। चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स, बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट बोट राइड्स को एंजॉय किया 4 बजे तक। इट इज टाइम टू रिटर्न, अब वहां वापस जाने का टाइम आ चुका था। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 आवर्स, अब वो कहीं भी नहीं रुके, चार वहां पे उनको 4 बज गए थे, अब वो घर के लिए वापस चलने लगे और वो बीच में कहीं भी नहीं रुके और 2 घंटे बाद पहुंच गए। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर वो 2 घंटे बाद पहुंच गए तो हाउ, तो उन्हें होशंगाबाद पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, अब कितना टाइम हो रहा है 6 बज गए। ठीक है, तो 4 प्लस 2 कर देंगे, 2 आवर उन्हें लगे थे पहुंचने में, तो 4 प्लस 2 6 क्लॉक तक वो रीच किया था उन्होंने। हैव यू एवर बीन ऑन ए स्कूल ट्रिप, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन ऑल, हाउ डिड यू गो एंड फार, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ कॉस्ट ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड। आपने कभी भी कोई ट्रिप ऐसी की हो जिसमें आप बहुत ज्यादा दूर गए हो, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस टाइम, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, वो हम करेंगे। देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स, मार्क द ओल्डेस्ट, यहाँ कुछ 4 पेंटिंग्स दे रखी हैं जो बहुत ज्यादा पुरानी है, मार्क द ओल्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा जो पुरानी है उसको मार्क करना है। तो 8500 सबसे ज्यादा है, ये 1000 है, ये 4000, ये 1000, तो 8000 ज्यादा हो गया, सी पे मार्क कर दिया। वन बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन, एक बस अगर 48 चिल्ड्रन को कैरी कर सकती है तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन कैरी बाय 3 बसेस, यानी कि 3 बसेस कितने बच्चों को ले सकती हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, 150 के अराउंड आएगा, तो अबाउट में पूछ रहा है वो, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, तो 150 आ गया। ठीक है, विच पेयर ऑफ नंबर्स एड टू मेक मोर देन 500, अब पेयर ऑफ नंबर्स कौन सा नंबर, पेयर ऑफ नंबर 500 से ज्यादा बनाएगा, तो ये 152 है, इन सबको ऐड करके देखिए। ठीक है, 500 से जो भी ज्यादा होगा वो हमने मार्क कर दिया। अब ये सारे जो व्हाट हैपेंड एट द व्हाट टाइम, ड्रॉ लाइन टू मैच, अब हमें ये मैच करना है कि क्रॉस द नर्मदा ब्रिज, उन्होंने कितने बजे के आसपास उन्होंने क्रॉस किया था ब्रिज, 9 बजे वो वहां से चले थे और 9:10 पे उन्होंने वो ब्रिज क्रॉस किया।
लुक्ड एट भीमबेट का पेंटिंग, उन्होंने वो पेंटिंग्स कितने बजे देखी होंगी, वो 11 बजे भीमबेट का पहुंचे थे तो लगभग अराउंड 11:30 पे उन्होंने वो पेंटिंग्स देखी। एट द पेट्रोल पंप, वो निकलते ही पेट्रोल पंप पे गए थे, यानी कि 9:30 के अराउंड निकल 9 बजे निकले थे और 9:30 बजे के आसपास उन्होंने पेट्रोल भरवाया था। बोटिंग इन द लेक, 3 बजे के आसपास उन्होंने बोटिंग करी। हेड लंच 12:30 पे वो भीमबेटका से भोपाल के लिए निकले, भोपाल पहुंचे, ठीक है, तो 12:30 के अराउंड उन्होंने लंच किया। रिटर्न टू होशंगाबाद, वो कितने बजे वापस पहुंचे, 6:00, ठीक है, 6:00 पर वो वापस पहुंच गए। इस तरीके से ये मैच करना था। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी टुगेदर चैप्टर नंबर 4। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।